Hello students, today I am going to teach you English FL subject. I am giving you assignment of first unit test 2021 और question answer से है. ये भी exploring जो lesson number 1 है, exploring symbols में से हैंगे. जो आपका second number का question होगा paper में, मैंने पहली video में आपको जो MCQs और जो question answers दिए हैं, आगे second video में भी question answers और जो रह गए हैं रिमाइंडर जो है क्वेश्चन आंसर्स वो होंगे यहाँ पर. हम फिर आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स. ये नंबर पार्ट वन में से ये एक्सप्लोरिंग सिंबल्स. अब यहाँ क्वेश्चन नंबर वन यहाँ इसका है, हाउ मेनी टीथ डिड एम्परर अकबर लॉस इन हिज ड्रीम. अकबर बादशाह ने जब देखा था ख्वाब तो मेरे सब दांत क्या है गुम हो गए हैं एक दांत को छोड़ के. तो हाउ मेनी टीथ डिड एम्परर अकबर लॉस इन हिज ड्रीम. राइट द आंसर, इन हिज ड्रीम एम्परर अकबर लॉस्ट ऑल बट वन ऑफ हिज टीथ. एक को छोड़कर उसके सारे दांत क्या हो गए थे, कहीं गुम हो गए थे. तो इन हिज ड्रीम एम्परर अकबर लॉस्ट ऑल बट वन ऑफ हिज टीथ. सेकेंड क्वेश्चन, वॉट वॉज दी इंटरप्रेशन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स फॉर द टीथ दैट एम्परर अकबर हैड लॉस्ट. क्वेश्चन नंबर टू, वॉट वॉज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स फॉर द टीथ दैट एम्परर अकबर हैड लॉस्ट. आंसर, द एस्ट्रोलॉजर्स इंटरप्रिटेड एम्परर अकबर्स ड्रीम दैट ऑल हिज रिलेटिव्स वुड डाई बिफोर हिम. दूसरा जो थे ज्योतिषी, उन्होंने क्या है किस किस्म की आगाही की थी एम्परर अकबर के लिए कि भाई तुम्हारा जो ख्वाब है उसमें क्या होगा, तुम्हारे सभी रिलेटिव्स तुम्हारे पहले मर जाएंगे. द व्हाट वाज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स फॉर द टीथ That Emperor Akbar had lost. Answer, the astrologers interpreted Emperor Akbar's dream that all his relatives would die before him. Question number 3 है यहाँ इसमें, why did the astrologers not get any reward from Emperor Akbar? जो ज्योतिषी आए थे उन्हें एम्परर अकबर जो थे राजा महाराजा अकबर जो थे उन्होंने क्यों कोई अवार्ड नहीं दिया, उन्हें कोई इनाम नहीं दिया. व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर्स नॉट गेट एनी रिवार्ड फ्रॉम एम्परर अकबर. आंसर, द एस्ट्रोलॉजर्स डिड नॉट गेट एनी रिवार्ड फ्रॉम एम्परर अकबर बिकॉज एम्परर अकबर गॉट अपसेट With their interpretation. वो जो राजा थे अकबर बादशाह थे वो उनके जो उन्होंने आगाही की थी जो उनसे वो संतुष्ट नहीं थे इसलिए उन्होंने उन्हें कोई भी इनाम नहीं दिया. तो द एस्ट्रोलॉजर्स डिड नॉट गेट एनी रिवार्ड फ्रॉम एम्परर अकबर बिकॉज एम्परर अकबर गॉट अपसेट विथ देयर इंटरप्रिटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर से पिक आउट फ्रॉम द टेक्स्ट द वर्ड यूज्ड फॉर कोर्ट ऑफ किंग. जो किंग का कोर्ट है उसके लिए क्या यूज किया है इसमें पिक आउट करने का है फ्रॉम द टेक्स्ट द वर्ड यूज्ड फॉर कोर्ट ऑफ किंग. आंसर है वो है दरबार. कोर्ट ऑफ किंग यानी दरबार, जो राजा के दरबार में लगता है, दरबार में जो सब उसके नवरत्न बैठते हैं उसे क्या बोलते हैं दरबार. यहाँ है कोर्ट ऑफ किंग. तो उसके लिए क्या पिक आउट करना है हमें लेना है वर्ड जो यूज हुआ है टेक्स्ट में वो है दरबार. टू नंबर, हाउ वाज बीरबल्स इंटरप्रिटेशन फॉर एम्परर अकबर्स ड्रीम. जो अकबर जो बीरबल थे उसने उनके जो ख्वापी क्या ताबीर बताई थी एम्परर अकबर के, तो हाउ वाज उन्होंने कैसे बताई थी बीरबल्स इंटरप्रिटेशन फॉर एम्परर अकबर्स ड्रीम. बीरबल ने जो थे उनके ख्वापी क्या ताबीर बताई थी कैसे बताई थी. तो आंसर लिखेंगे, बीरबल इंटरप्रिटेड एम्परर अकबर्स ड्रीम क्वाइट पॉजिटिवली विच सेटिस्फाइड था
उन्होंने पॉजिटिव जो उनकी बताई थी ताबीर ख्वाब की, जिससे राजा क्या थे, संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड एम्परर अकबर। बीरबल इंटरप्रिटेड एम्परर अकबर्स ड्रीम क्वाइट पॉजिटिवली विच सेटिस्फाइड एम्परर अकबर। क्वेश्चन नंबर 3, एम्परर अकबर रिवार्डेड बीरबल। एम्परर अकबर ने उनको क्या है, बहुत सारा इनाम दिया बीरबल को। हैंडसमली एक्सप्लेन द वर्ड हैंडसमली इन दिस सेंटेंस। आंसर है द वर्ड हैंडसमली इन दिस सेंटेंस सजेस्ट, क्या सजेस्ट करता है, विथ अ लार्ज अमाउंट। जो थे बीरबल उनको बहुत सारा उसने जो था इनाम दिया अकबर बादशाह ने बीरबल को, तो उसे क्या कहा गया है, विथ अ लार्ज अमाउंट यानी हैंडसमली यानी विथ अ लार्ज अमाउंट। वंस अगेन व्हाट वाज ग्रेट अबाउट एम्परर अकबर्स कोर्ट। आंसर देयर वेर फाइन एडवाइजर्स इन एम्परर अकबर्स कोर्ट। टू नंबर व्हाट मेड एम्परर अकबर टर्न टू बीरबल। व्हेन एवर एम्परर अकबर एनकाउंटर्ड अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पजल सून ही टर्न्ड टू बीरबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन डिड एम्परर अकबर आस्क हिज कटियर्स। एम्परर अकबर आस्क्ड हिज कटियर्स द वेज ऑफ पनिशमेंट इफ समवन डेड टू ट्विक हिज माउस्टैक। एम्परर अकबर ने कैसे क्या पूछा दरबारियों को, द वेज ऑफ पनिशमेंट का कहा रास्ते पूछे है कि अगर कोई आकर मेरी जो है मेरी जो मूछे हैं उसको मरोड़ दे तो उसकी क्या सजा हो सकती है। तो व्हाट क्वेश्चन डिड अकबर एम्परर अकबर आस्क हिज कटियर्स। आंसर एम्परर अकबर आस्क्ड हिज कटियर्स द वेज ऑफ पनिशमेंट इफ समवन डेड। कोई यह आकर हिम्मत करे और उसकी मूछों को मरोड़ दे तो वो उसे क्या पनिशमेंट दे सकते हैं, टू ट्विक हिज माउस्टैक। टू नंबर है हमें पिक आउट करना है द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन डेथ। पिक आउट द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन डेथ होता है, हमें उसको पिक आउट करना है। आंसर द एक्सप्रेशंस क्या है, एक्सप्रेशंस शोइंग डेथ आर। वन नंबर है फ्लॉक टू डेथ बी हैड एंड बी हैंग्ड। क्वेश्चन 3, विच वर्ड इन द टेक्स्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्रिमिनल। आंसर द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्रिमिनल इज विलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड ऑफेंडर इज यूज्ड फॉर। द वर्ड है ऑफेंडर इज यूज्ड फॉर ए किंग, बी बीरबल, सी एडवाइजर एंड डी क्रिमिनल। आंसर होगा डी क्रिमिनल। टू नंबर व्हाट पनिशमेंट वुड बीरबल गिव टू द ऑफेंडर। व्हाट पनिशमेंट वुड बीरबल गिव टू द ऑफेंडर। आंसर बीरबल वुड गिव सम स्वीट्स। बीरबल ने क्या बोला देने के लिए, थोड़ी मिठाई टू द ऑफेंडर जिसने शरारत करी थी अकबर बादशाह का, जो सजा वाला जो इसने इसकी मूछों को छुआ था, जिसने अपराध किया था, उस अपराधी को बीरबल ने क्या सजेस्ट किया, क्या देने के लिए कहा, तो उसने क्या बोला बीरबल वुड गिव, उसने क्या बोला मुझे, मैं तो कुछ उसको मिठाई देना चाहूंगा। बीरबल वुड गिव सम स्वीट्स टू द ऑफेंडर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड अदर कटियर्स। जो अदर कटियर्स अदर जो दरबारी थे गैप एट बीरबल
आंसर अदर कर्टियर्स गैप्ड एट बीरबल। वो क्या है, उसे जब उसने नतीजा सुनाया बीरबल ने तो सब उसकी तरफ देखने लगे जो कर्टियर्स थे बीरबल, बिकॉज बीरबल वॉज सजेस्टिंग, उसने क्या सजेस्टिंग क्या किया था, टू गिव स्वीट्स टू द क्रिमिनल। दे थॉट दैट बीरबल वॉज रॉन्ग, वो क्या सोचते थे बीरबल कहीं भी गलत है जिसने ये सजेशन की दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड एम्परर अकबर फ्रॉन, आंसर एम्परर अकबर फ्रॉन्ड बिकॉज ही कुड नॉट थिंक दैट स्वीट्स कुड बी अ राइट पनिशमेंट, या तो रिवार्ड है फॉर द क्राइम फॉर ट्विकिंग हिज माउस टैग। तो व्हाई डिड एम्परर अकबर फ्रॉन, एम्परर अकबर फ्रॉन्ड बिकॉज ही कुड नॉट थिंक दैट स्वीट्स कुड बी अ राइट पनिशमेंट रिवार्ड फॉर द क्राइम फॉर ट्विकिंग हिज माउस टैग। नंबर टू, हु अकॉर्डिंग टू बीरबल कुड टेक लिबर्टी टू ट्विक द किंग्स माउस टैग, हु अकॉर्डिंग टू बीरबल कुड टेक लिबर्टी टू ट्विक द किंग्स माउस टैग, आंसर नो वन एल्स, वो कोई नहीं था बल्कि कौन था वो, बट द किंग्स ग्रैंडसन, जो राजा था अकबर बादशाह का पोता ही था जिसने उनकी मूछों को छुआ था, कुड टेक द लिबर्टी टू ट्विक द किंग्स माउस टैग अकॉर्डिंग टू बीरबल। तो हु अकॉर्डिंग टू बीरबल कुड टेक लिबर्टी टू ट्विक द किंग्स माउस टैग, आंसर नो वन एल्स बट द किंग्स ग्रैंडसन कुड टेक द लिबर्टी टू ट्विक द किंग्स माउस टैग अकॉर्डिंग टू बीरबल। क्वेश्चन नंबर थ्री, हुम डज द किंग कॉल लिटिल रास्कल, वाय, हुम डज द किंग कॉल लिटिल रास्कल एंड वाय, आंसर द किंग कॉल्स हिज ग्रैंडसन लिटिल रास्कल आउट ऑफ अफेक्शन फॉर हिम, आंसर द किंग कॉल्स हिज ग्रैंडसन लिटिल रास्कल आउट ऑफ अफेक्शन फॉर हिम। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ डॉक्टर रॉबिन्सन्स स्टडी, नंबर वन व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ डॉक्टर रॉबिन्सन्स स्टडी, आंसर डॉक्टर रॉबिन्सन स्टडीड द इफेक्ट्स ऑफ ब्रांडिंग ऑफ आइडेंटिकल फूड्स, डॉक्टर रॉबिन्सन स्टडीड द इफेक्ट्स ऑफ ब्रांडिंग ऑफ आइडेंटिकल फूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फूड डिड द किड्स पॉइंट आउट, विच फूड डिड द किड्स पॉइंट आउट, आंसर द चिल्ड्रन पॉइंटेड आउट द वन ऑन द मैकडोनाल्ड्स रेपर एज टेस्टिंग बैटर, द चिल्ड्रन पॉइंटेड आउट द वन ऑन द मैकडोनाल्ड्स रेपर एज टेस्टिंग बैटर। नंबर वन, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ डॉक्टर रॉबिन्सन्स स्टडी, आंसर डॉक्टर रॉबिन्सन स्टडीड द इफेक्ट्स ऑफ ब्रांडिंग ऑफ आइडेंटिकल फूड्स, टू नंबर विच फूड डिड द किड्स पॉइंट आउट, आंसर द किंग द चिल्ड्रन पॉइंटेड
out the one on the McDonald's wrapper as tasting better. Next question, what is important to housewives? What is important to housewives? Answer, the drink that gives energy and keeps them fresh is more important to housewives. Two number, why would housewives buy your drink? Why would housewives buy your drink? Answer, housewives would buy my drink because my drink fulfills all the requirements that a housewife needs. My drink is an energy tonic. It is comparatively cheap so that she can afford to have it twice or thrice a day. It has very nice taste so tantalizing that she would like to have it again and again. Moreover, it is a diet drink. It helps digestion. Number 3, what will you say in your ad to convince housewives to buy your drink? Answer, my drink has been so popular that it has got wide scale mouth publicity. It has started spreading home to home for its taste, price, color and health benefits. Number 3, question number, what will you say in your ad to convince housewives to buy your drink? Answer, my drink has been so popular that it has got wide scale mouth publicity. It has started spreading home to home for its taste, price, color and health benefits. It reduces tiredness and fatigue. It is a zero calorie drink which prevents you putting on fat. क्या है, which prevents करता है you putting on fat or cholesterol. जिसकी यहाँ पर drink which prevents करता है you putting on fat or cholesterol. Next question, what does the poet mean by the poetry of earth is ceasing never? Answer, the poet finds the music of nature as non-stop. Seasons may change, singers may be different, but the music of earth goes on. The poet finds the music of nature as non-stop. Seasons may change, singers may be different, but the music of earth goes on. Now question number 2, why does the poet describe the winter evening as long? Answer, the poet describes the winter evening as long because the forest severe cold has made people
shut up in their houses and the streets are deserted. The poet describes the winter evening as long because the forest severe cold has made people shut up in their houses and the streets are deserted. देखो विंटर जो होती है शाम कैसी हो जाती है, एकदम सन्नाटा हो जाता है. तो पोएट जो है डिस्क्राइब वर्णन करते हैं जो विंटर इवनिंग का. तो व्हाई डज द पोएट डिस्क्राइब द विंटर इवनिंग एज लॉन. तो पोएट जो है डिस्क्राइब करते हैं विंटर इवनिंग एज लॉन बिकॉज द फॉरेस्ट सेवर कॉल्ड हैज मेड पीपल शट अप हो जाते हैं, घर में घुस जाते हैं इन देयर हाउसेज एंड द स्ट्रीट जो होती है जो गलियां होती है चाली होती है जो स्ट्रीट्स मोहल्ले होते हैं आर कैसे लग जाते हैं डेजर्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैपन्स व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फैंट इन द हीट ऑफ द सन. आंसर व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फैंट इन द हीट ऑफ द सन दे हाइड इन कूलिंग ट्रीज. At that time, the grasshopper's voice runs about in the bushes and meadows. So what happens when all the birds are faint in the heat of the sun? Answer, when all the birds are faint in the heat of the sun, they hide in cooling trees. At that time, the grasshopper's voice runs about in the bushes and meadows. Now question number 2. When can one hear the cricket's song? When can one hear the cricket's song? Answer, one can hear the cricket song on a lawn winter evening when because of frost nobody comes out and silence prevails everywhere. One can hear the cricket's song on a lawn winter evening when because of frost nobody comes out and silence prevails everywhere. And question 3. He takes the lead in summer luxury. In summer luxury, तो क्या है यहाँ? Dash, he takes the lead in summer luxury. Who is he? Answer क्या है? Answer क्या है? He is the grasshopper. He moves about in the bushes shining song. तो नंबर 3 है हीट डैश ही टेक्स द लीड टू समरी लग्जरी. हु इज ही इसमें कौन है? हु इज ही किसके लिए बताया है? आंसर द ही इज द ग्रास होपर. ही मूव्स अबाउट इन द बुशेज सिंगिंग सॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द टेक्स्ट कन्वे. कन्वे क्या करता है? आंसर या क्वेश्चन है व्हाट डज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द टेक्स्ट कन्वे. द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द टेक्स्ट कन्वेज दैट स्वामीनाथन इज ऑल प्रिपेयर्ड टू स्टडी विथ हिज फादर. The first sentence of the text conveys that Swaminathan is all prepared to study with his father. Question next. What made Swaminathan feel helpless? Answer, Swaminathan felt that his father had not made the point clear whether Ram wanted to sell ripe mangoes or unripe mangoes.
This confusion made him feel helpless. Question 2. What, according to Swaminathan, was the key to the question asked by his father? Answer. According to Swaminathan, the key to the problem. The key to the problem was in making the point clear whether the mangoes were ripe or unripe. Now question 3. What, according to Swaminathan, was unfair? Answer. According to Swaminathan, to expect 15 anas for 10 unripe mangoes was unfair.